हाय स्टूडेंट्स, ऑनियन फिजिक्स के आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक अ न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। ऑनियन लेक्चर्स का जैसा नेचर है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस, और जैसे ऑनियन की लेयर्स ओपन होती हैं वैसे ही अलग अलग सिचुएशंस से अपन अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को ओपन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ऑलरेडी हम टू डायमेंशनल मोशन कंप्लीट कर चुके हैं, सो एक बार क्विक फंडामेंटल पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि पूरे टू डायमेंशनल मोशन के चैप्टर में चार ही ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, चारों में अलग अलग लेक्चर्स मैं कवर कर चुका हूं। हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द सेम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इन 2D, चार तरह के केसेस हम देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे इस क्लास में लेने वाला हूं। द फर्स्ट इज जनरल टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें x और y डायरेक्शन को हम सेपरेट 1D मोशन की तरह ट्रीट करके टाइम एज अ कॉमन वेरिएबल को क्लब करते हैं। एंड सेकंड इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ग्राउंड, दिस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जब हमने बात करी थी, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है और वर्टिकल डायरेक्शन में g से बॉडी रिटार्ड होती है, तो एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ये फॉलो करता है। वैरायटी ऑफ cases we already discussed. Third was moving frame projectile, कि अगर कोई move होते हुए frame में से body को throw या fire किया जाए, so the kind of projectile it follows that is called moving frame projectile. और इसके भी सारी characteristics हम बात कर चुके हैं, mainly moving frame की वजह से जिस direction में body का या वो frame move कर रहा होता है उस direction में projectile में वो वाली velocity add up हो जाती है। लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, या ये कहें एक्स और वाई डायरेक्शन हम कंसिडर करते हैं इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, और सेपरेटली एक्स और वाई में मोशन को ट्रीट करके कंबाइन किया जाता है। अलॉन्ग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, नॉर्मल टू इंक्लाइन इट इज जी कॉस थीटा। सो माय डियर स्टूडेंट, पहले हम चारों केसेस के एक एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन लेते हैं, फिर वैरायटी लेंगे। और जैसा मैं बता चुका हूँ, आई हैव रेफर्ड यू दिस फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक फॉर रेफरेंस। कई स्टूडेंट्स को लगता है अगर हमारे पास नहीं है तो आई थिंक, मुझे कई बच्चों ने बताया, मुझे भी नहीं पता बेटा पब्लिशर ने कैसे अवेलेबल कराई, अगर इंटरनेट पे या कहीं पे भी इसकी पीडीएफ अवेलेबल है यू कैन डाउनलोड द सेम, बट आई जनरली डू नॉट रिकमेंड टू फॉलो पीडीएफ, क्योंकि ऑनलाइन स्क्रीन पे बुक पढ़ने से रेडिएशन प्रेशर आपकी आंखों पे कहीं ना कहीं नुकसान देता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि पीडीएफ मिल जाए तो प्रिंट करा लो या बुक परचेज कर लो, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस। 300-400 रुपये की जो बुक है वो आपको ओवरऑल काफ़ी बेनिफिट देगी बुक रीडिंग के लिए, रेस्ट इट्स अप टू यू, आई डोंट हैव एनी मच कंसर्न ऑन दैट। सो हम बात करते हैं चारों केसेस के और इनके जो क्वेश्चंस मैं लूंगा बुक के लूंगा, ताकि आप रिलेट भी कर पाए और उसको क्विक रिव्यू भी कर पाए। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट टेकिंग अप न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। सबसे पहले हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अप इलस्ट्रेशन फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1। सो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ 1.37, विच इज बेस्ड ऑन जेनरिक मोशन इन टू डायमेंशन। क्वेश्चन सेज अ कार मूव्स विद पोजिशन वैक्टर गिवन एज बी टी आई कैप प्लस सी टी स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पे हमें निकालनी है तीन चीज़ें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंगल बिटवीन वी वैक्टर ए वैक्टर ऑफ कार एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार ओवर अ टाइम टी। फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो जनरिक 2D मोशन के वो आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो बाय पोजीशन वेक्टर वी कैन डायरेक्टली स्टेट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ कार गिवन है हमारे पास बी टी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कार गिवन है हमारे पास सी टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई बी, टी को एलिमिनेट कीजिए, वाई सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई बी होल स्क्वायर, यही आंसर है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, किसी भी टू डायमेंशनल मोशन में टाइम कॉमन वेरिएबल होता है और एक्स और वाई डायरेक्शनल मोशन को आप आपस में टाइम से कंबाइन कर सकते हैं, तो एक्स और वाई के फंक्शन को टी से एलिमिनेट करके आप रिलेट कीजिए, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन आ जाएगी विच इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। इफ वी टॉक अबाउट एंगल बिटवीन वी वैक्टर एंड ए वैक्टर ऑफ कार, तो कई तरीके हैं निकालने के, बेसिक मैथड अगर देखें तो एक्स से हमारे पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आएगी डी एक्स बाई डी टी एंड दैट कम्स आउट टू बी बी, और y से हमारे पास आएगी वी वाई दैट इज डी वाई बाई डी टी, पार्टिकल कार्स वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन दिस बिकम्स 2 सी टी। यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ वेलोसिटी वेक्टर थीटा v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज रिटन एज 10 इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स। ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस में पूरी कवर अब तक के लेक्चर में कर चुके हैं, ऑल दो सारे लेक्चर्स इंडिपेंडेंट है, बट स्टिल आई सजेस्ट इस वीडियो को देखने के बाद जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हमारे नए व्यूअर्स हैं वो शुरू से इस ऑनियन फिजिक्स सीरीज को देख लीजिए, सिर्फ इलस्ट्रेशन बेस्ड लर्निंग से आप पूरी फिजिक्स बिल्ड कर लेंगे। सो थीटा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय दिस, फिर यहां से आप देखिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन एक्स डायरेक्शन विच इज डी वी एक्स बाई डी टी कम्स आउट टू बी जीरो, और यहाँ से एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन वी गेट डी वी वाई बाई डी टी एंड दिस कम्स आउट टू बी 2c। तो आप यहाँ से देखेंगे तो थीटा ऑफ एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज गिवन एज 10 इनवर्स ऑफ ए वाई बाई ए एक्स, यानी
एक्सेलरेशन वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से एंगल ये होगा और एक्स जीरो होने से आ जाता है टेन इनवर्स इन्फिनिटी, यानी दिस कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स इन्फिनिटी, दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री. सो ये वाला एंगल है थीटा ऑफ वी का और ये वाला एंगल है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का, तो बीच का एंगल क्या होगा? आंसर ऑफ दिस ऑप्शन बी, दिस थीटा बिटवीन वी वैक्टर एंड ए वैक्टर कैन बी गिवन एज 90 माइनस टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई Vx. This is the way how you calculate, this is your answer. There is one more way by which you can directly calculate the acceleration vector and velocity vector angle. Kyunki yahan se hamare paas velocity vector aa jayega bi cap plus 2 ct j cap. Acceleration vector aa jayega hamare paas ax 0 hai to this 2 c j cap. If you got the acceleration and velocity vector, you can directly calculate this angle by cos inverse of v cap dot a cap. If you take the dot product between the unit vectors of two vectors and take cosine inverse of it, this gives you directly the angle. Aap chahe to aise bhi calculate karke dekh lijiye, you are going to get the same result. This second method of it. Last humse pucha gaya average velocity of car after time t or over a period of time t. So average velocity vector can directly be written as r vector divided by t. Kyunki aap dekhiye at t equals to 0, agar yahan nikalte hain to at t equals to 0 r vector null vector aata hai, x aur y dono coordinate 0 hai, yani t time pe this is the displacement vector, so total displacement by total time. So this gives us bi cap plus ct j cap. This is the average velocity result of this question. So all the three parts we have handled, and this question, this illustration of PG illustration 1.37 gives you a clear insight about generic 2D motion. ऐसे बहुत सारे question book में आप exercises follow करें. अभी अपन अगले concept पे चलते हैं. PG clear करो. थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम लेंगे एनालाइज करने के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 4, वेयर द सिचुएशन इज शोन ओवर हियर. यू कैन सी एक स्टेयर केस है. स्टेयर केस प्रॉब्लम्स बहुत सारी अलग अलग तरह की पूछी जाती हैं. यहाँ पे एक बॉल हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से चल रही है और जैसे ये फर्स्ट स्टेप से आगे निकलेगी टिल स्टार्ट फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, और क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड ऑन एज ऑफ विच स्टेप बॉल विल कोलाइड, मतलब अगर ये किसी स्टेप की एज पे कोलाइड करती है. क्वेश्चन में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि एक स्टेप की एच पे कोलाइड करती है, तो कौन सी स्टेप की एच पे कोलाइड करेगी. सो हम ये देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप होगी इसके कोऑर्डिनेट होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, अगर ये वाई एक्सेस है ये एक्स एक्सेस है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल बी वर्टिकल एच, तो दिस विल बी बी कॉमा माइनस एच. सेकेंड स्टेप का होगा 2b कॉमा माइनस 2h. इसी तरह nth स्टेप की अगर हम बात करें कि अगर ये nth स्टेप पे कोलाइड करती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास nb कॉमा माइनस nh. दिस व्हाट यू नीड टू कंसीडर. और इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जहाँ से चली है ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, दिस इज दी ग्राउंड लेवल, तो फर्स्ट स्टेप इसको काउंट करेंगे. ऑल दो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस वी आर गोइंग टू यूज. ऑल दो इस क्वेश्चन के अंदर तो प्रूव करने को कहा गया, तो दैट प्रूविंग इज डायरेक्टली रिलेवेंट. सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं बाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, दैट सेट. ये चीज़ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ट्रेजेक्ट्री में थीटा को आपको जीरो डालना है. y यू नीड टू यूज माइनस एन एच माइनस जी बाई 2u स्क्वायर. x यू आर गोइंग टू यूज nb, तो दिस इज एन स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ n. सो द वैल्यू ऑफ n वी आर गेटिंग इज 2hu स्क्वायर डिवाइडेड बाई gb स्क्वायर. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये एक इंटीजर वैल्यू आएगी डिपेंडिंग ऑन अगर यहाँ पे सारी न्यूमेरिकल वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो. सो माई डियर स्टूडेंट, कभी भी स्टेप रिलेटेड क्वेश्चन हों तो स्टेप के कॉर्डिनेट को ट्रेजेक्ट्री में डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट. सो प्रोजेक्टाइल के और भी कई सारे केसेज हम लेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी थ्री हमारी मूविंग फ्रेम प्रोजेक्टाइल, उसी का एक इलस्ट्रेशन मैं क्विकली लेता हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन 1.45 ऑफ द बुक फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1. मैं पहले ही बता चुका हूँ जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं पीजी वॉल्यूम 1 बुक से आप साथ साथ रेफर करते रहो, यू आर गोइंग टू गेट एन एक्सेल कमांड ऑन ओवरऑल फिजिक्स. वो सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाली है. और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो इन दैट केस इंटरनेट पर अगर कहीं पर पीडीएफ अवेलेबल है आप डाउनलोड कर लो. बट आई जनरली डू नॉट रिकमेंड टू यूज़
PDFs, because screen time जितना कम करोगे उतना अच्छा है. PDF हो भी तो print निकलवा लो, 200-300 रुपया लगेगा, लेकिन it will be good for you कि आप paper से ही reading की habit डालें और question solving भी paper पे ही ज़्यादा रखें. So my dear student, this is the question category where it is saying, question यहाँ पे लिखा नहीं, question मैं बता देता हूँ. There is a carriage जिसका एक rear wheel है और एक front wheel है, और रियर व्हील का रेडियस ए, फ्रंट व्हील का रेडियस बी. एक ट्रैक्टर जैसा ओपन कैरिज मान सकते हैं आप, और इसमें जो दोनों रियर व्हील और फ्रंट व्हील के एक्सल हैं उनके बीच का डिस्टेंस सी दिया हुआ है, एंड द कैरिज इज ट्रेवलिंग फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी वी. नाउ इन द सिचुएशन क्वेश्चन सेज कि पिछले पहिए के टॉप से एक डस्ट पार्टिकल है जो यहाँ से डिटैच होता है. आप सबको ये आइडिया होना चाहिए एट द बेस लेवल कि अगर कोई भी व्हील रोल हो रहा है, नहीं है तो इस चीज़ को दिमाग में रख लो. दिस द एडवांटेज ऑफ दिस ऑनियन फिजिक्स, क्योंकि ऑनियन फिजिक्स में हम मल्टीपल लेयर्स में सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं से भी कोई भी लेयर ओपन हो सकती है. तो अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी व्हील रोल हो रहा है तो जस्ट कीप अ नोट ओवर हेयर. फिर हम इस क्वेश्चन पर आगे चलेंगे. फॉर अ रोलिंग बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट moves at velocity twice that of its center. इसका मतलब अगर ये carriage v velocity से चल रही है तो dust particle 2v velocity से यहाँ से detach होगा. किसी भी rolling body के लिए ये note आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है. आगे बढ़ने से पहले मैं इस note को पोजी को मिटाने के लिए कह रहा हूँ. अगर आपने note नहीं किया है तो video को pause करके immediately पहले note कर लीजिए. पोजी clear करो. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस कि जो डस्ट पार्टिकल होगा टॉप मोस्ट पॉइंट से डिटैच होगा, जिसकी स्पीड होती है डबल दैट ऑफ द सेंटर. तो सेंटर अगर कैरिज का वी स्पीड से जा रहा है तो इसकी स्पीड होगी 2v. अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वी इफ डस्ट पार्टिकल लैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रंट व्हील. अगर डस्ट पार्टिकल फ्रंट व्हील के टॉप पे लैंड करता है तो हमको कैरिज की वेलोसिटी निकालनी है. अब आप यहाँ ध्यान से देखें, कैरिज चल रही है वी वेलोसिटी से और इसके ऊपर से जो पार्टिकल निकला वो निकला 2v वेलोसिटी से. क्यों? क्योंकि कैरिज की वेलोसिटी वी है, पार्टिकल वेलोसिटी 2v है. तो कैरिज के रिलेटिव आप देखें, मूविंग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हुआ विद वेलोसिटी 2v, इसमें स्पीड डबल हो गई है. नाउ एट दिस पॉइंट डस्ट पार्टिकल की वेलोसिटी कैरिज के रिस्पेक्ट में होगी वी, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी चलेगा, ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस वी कैन डायरेक्टली गिव बाय पाइथागोरस ओवर हियर. दिस रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर. इतना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, और कितना डिस्टेंस ये गिरेगा, दिस यू कैन राइट सिंपली द डिस्टेंस फॉलन एच कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, बिकॉज दिस टू ए दिस टू बी. सो इतनी डिस्टेंस गिरने में इसने हॉरिजॉन्टल इतना रेंज कवर किया. सो इफ वी कैलकुलेट इन सॉल्यूशन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, सो प्रोजेक्टाइल रेंज कैन बी गिवन एज रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2h बाई जी, क्योंकि h हाइट गिरना है और g एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी से गिरना है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज दिस, वेलोसिटी इज 2v. सो शैल वी टेक 2v? नो, वी शैल टेक 2v माइनस v, बिकॉज कैरिज भी v से चल रही है तो कैरिज के रिलेटिव ये v से ही चलेगा. सो दिस शुड बी रिटन एज v मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ a माइनस b इंटू 2 डिवाइडेड बाई g, रूट 2 h बाई g, वेर h इज 2 a माइनस b. सो फ्रॉम दिस रिलेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर. सिंपल कैलकुलेशन आप करके प्रोसीड कर सकते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर सॉल्विंग दिस. आइए क्वेश्चन ओढ़ लेते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट, नाउ वी आर टेकिंग अप अ क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल एमसीक्यू एक्सरसाइज ऑफ द बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 111 आई एम टेकिंग. क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड है. बिल्कुल सिंपल इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है. इट इज आस्किंग फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन से एक बॉडी को 20 meters per second से नॉर्मली प्रोजेक्ट किया, प्लेन एंगल इज 37 degrees. यानी अगर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे तो आप ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगी, और जो गिवन वेलोसिटी है वही वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी. एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वी नो इट इज जी साइन थीटा. सो साइन 37 degrees आपको पता होना चाहिए. वैल्यूज आपको हमेशा ही याद रखनी है. जस्ट कीप इट इन माइंड, साइन 37 इज
3 by 5 and cos 37 degree is 4 by 5. ये values tips पे रखो, 37 और 50 3 degree के sin और cosine बहुत frequent use होते हैं. So this is g sin theta, this is 10 into 3 by 5, 6 meter per second square, and acceleration y direction is g cos theta inclined plane के लिए, and this will be 8 meter per second square. So यहाँ पे we can directly in solution calculate the time of flight. Time of flight होगा हमारे पास twice of u y upon a y. This 2 into 20 divided by 8. So this comes out to be 5 second. So 5 second mein ye jaake wapas aa jayega. So 5 second mein kitna horizontal distance travel karega, ye range calculate karna hai. So my dear student, agar initial velocity 0 hai, to it will be accelerating with ax, that is 6 meter per second square. So yahan pe range on incline can be written as half ax t square, kyunki ux 0 hai, otherwise range hoti ut plus half at square. So directly what you are getting is half multiplied by 6 multiplied by 25, this 25 into 3, 75 meter. That's the answer to this question. So bahut fundamental hain questions. Ab hum variety lete hain, kyunki humne abhi char category hi hoti hain baat kari thi in case of 2d motion, jispe JEE main, JEE advanced, neat kahi bhi question puche ja sakte hain. So charon ka ek ek application liya. Now I'm taking a variety of questions and numerical analysis over here to just gain a command on two-dimensional motion. Fir agli class hum next topic yani constrained motion pe switch on karenge. Poji clear karein. Thank you, Poji. So student, next question we'll be taking is numerical MCQ exercise ka question number 66. Basic question hai, lekin you need to have a good idea about the concept. It says find time after which ball's velocity is at right angle to initial velocity. Aur yahan pe ball ko vertical se 60 degree angle pe 110 meter per second speed se throw kiya at t equal to 0. So we know well it is going to follow a projectile motion. Initial velocity ki direction ye hai, to iske right angle pe yani yahan kahin ye chal raha hoga, this will be the velocity at time t. Ye wali velocity किस टाइम पे होगी, यहाँ का टाइम कैलकुलेट करना है. सो माय डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी वेक्टर वी ऑलरेडी स्टडीड. अगर दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो यू नीड टू हैव अ वन कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. ये नोट आपको दिमाग में रखना है, दिस कॉन्सेप्ट यू शुड ऑलवेज यूज, बिकॉज मैं ऑनियन फिजिक्स की लेयर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरी फिजिक्स में काम आने वाले हैं, सिर्फ एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस नोट सेज इफ टू वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, this implies their dot product is equals to 0. अगर हमारे पास कभी भी कोई mutually perpendicular word कहीं दिख जाए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कितनी देर बाद velocity initial velocity की perpendicular होगी, तो एकदम से दिमाग में strike करता है दो perpendicular चीजों की बात हो रही है, तो सीधा सा दिमाग में आना चाहिए कि dot product को zero करना है. That's what the concept we are going to use over here. यहीं पे directly देख लेते हैं initial velocity vector. देखें, I think पहले इसको मिटा लेते हैं. पोजी please clear करो. थैंक यू बोजी. सो अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, सो माय डियर स्टूडेंट, फॉर इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर वी कैन राइट एज 110 साइन 60. सो दिस विल बी 55 रूट 3 आई कैप प्लस 110 कॉस 60, दिस 55 जे कैप मीटर पर सेकेंड, दिस द इनिशियल वेलोसिटी. और अगर हम निकालें वेलोसिटी एट टाइम टी, तो जनरल टाइम टी की वेलोसिटी का वेक्टर हमको पता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, तो दिस रिमेन सेम, दिस 55 रूट 3 आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी यू वाई माइनस जी टी. सो यू वाई इज 55 माइनस जी टी, 55 माइनस जी इज 10, 10 टी, दिस जे कैप मीटर पर सेकेंड. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दीज टू आर परपेंडिकुलर, सो एज वी टी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू यू वैक्टर, दिस एम्प्लाइज यू वैक्टर डॉट वी टी वैक्टर शुड बी जीरो. अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे जे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज 55 इंटू 3 plus product of these two is 55 into 55 minus 10 t is equals to 0. So ek 55 cancel ho gaya, 55 into 3 is 165 plus 55 is equals to 10 t. So t will be 220 by 10, this comes out to be 22 second. This is the answer to the question, solve ho gaya. So you need to be careful, dot product concept kahi jagahon pe kaam mein aane wala hai, to ye cheez dimag mein rakhiyega. Poji aage badhte hain, clear kare.
थैंक यू भोजी. स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और क्वेश्चन लेते हैं. ज्यादातर क्वेश्चंस मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के इसलिए लूंगा बिकॉज वेदर इट इज जेई मेन नीट और जेई एडवांस हर जगह प्रोजेक्टाइल के केसेस ज्यादा पूछे जाते हैं. क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का 53rd क्वेश्चन मैं बुक में से ले रहा हूँ. द क्वेश्चन इज इन द सिचुएशन गिवन बिलो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एच एंड यू. यहाँ एक एच हाइट का टावर है जिससे एक बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल 30 डिग्री एंड इट इज गिवन आफ्टर 5 सेकंड द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री. पैरामीटर अलग तरह से गिवन है. अब इनिशियल स्पीड निकालनी है और हाइट ऑफ टावर निकालनी है इफ दिस इज टू हैपन. सो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड है. टाइम ऑफ फ्लाइट आप वाई डायरेक्शनल मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हैं. इन वाई डायरेक्शन हाइट ट्रेवल होगी माइनस एच और वर्टिकल वेलोसिटी होगी यू साइन 30 यानी यू बाई टू और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी रूट 3 यू बाई टू. सो आप ये लिख सकते हैं माइनस एच इज इक्वल्स टू यू बाई टू इंटू टी इज 5 सेकेंड माइनस हाफ जी हाफ इंटू 10 इंटू टाइम स्क्वायर इज 5 स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग अ रिलेशन माइनस एच इज इक्वल्स टू 5 u/2 माइनस दिस 125. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. एच और यू में एक इक्वेशन बन गया. अब एक और इक्वेशन अगर एच और यू में बन जाती है तो सिंपली सॉल्व होकर रिजल्ट आ जाएगा. नाउ इन दैट केस वी आर गिवन कि एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड एंगल इज 45. इसका मतलब एंगल 45 का मतलब डायरेक्ट अगर यहाँ वेलोसिटी वी एक्स और डाउनवर्ड वी वाई है सो 45 डायरेक्टली इम्प्लाइज वी एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई. ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें. कोई भी मूविंग पार्टिकल का स्लोप एंगल 45 है दैट मीन्स 10 थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स. तो 45 एंगल पे 10 थीटा 1 होता है यानी वी वाई और वी एक्स बराबर होंगे. दिस रिजल्ट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन एनी काइंड ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिस विल बी वैलिड. सो वी एक्स वी वाई बराबर है तो यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्ट है. इन एक्स डायरेक्शन वी कैन राइट वेलोसिटी इज रूट 3 यू बाई टू. सो वी कैन यूज द स्पीड इक्वेशन फॉर ट्रेवलिंग बाय हाइट एच और 5 सेकेंड बाद हम वर्टिकल वेलोसिटी ले सकते हैं. दिस इक्वल्स टू यू बाई टू माइनस जी टी. जी इज 10 टी इज 5. सो दिस वॉट वी नीड टू यूज ओवर हेयर. सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे वी वाई दिस शुड ऑल्सो बी टेकन नेगेटिव बिकॉज इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वी रीअरेंज द टर्म्स दिस गिविंग अस अ वैल्यू यू बाई टू मल्टीप्लाइड बाई you just check what we are getting. If you take this term on the right hand side, this gives u multiplied by root 3 plus 1 is equal to, this will come on other side 50. So u ka value aa gaya, this 100 divided by root 3 plus 1 meters per second. Is question ka ek answer aa gaya. U ko aap utha ke yahan substitute kar dijiye, yahan se aapke paas h ka value aa jayega. I don't think so I need to calculate the value. Simple calculation, solve karo, result aa jata hai. Isi question ko further enhance kiya ja sakta hai agar yahan pe question humse additionally pucha jaye. Isi question mein find range of projectile on ground. Question mein pucha nahi gaya but agar yahi further analysis kar diya jaye yani ye wali range r kitni hogi to ye r hogi horizontal speed multiplied by 5 second. Directly aap calculate kar sakte hain. R ka value ho jayega root 3 u divided by 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. ये आंसर आ जाएगा. आप यू का वैल्यू निकाल चुके हैं, सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सो अगर मोशन एनालिसिस क्लियर है तो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आंसर्ड. यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट. आइए एक और केस देखते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं. यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ी सी करनी होगी इस क्वेश्चन में. कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. द क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल एमसीक्यू एक्सरसाइज का 71st क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में दिया गया है फॉर अ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन एज वाई इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री गिवन है और हमको बाकी पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. इन जनरल ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालने को पूछा जाता है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वी राइट एज वाई इज इक्वल्स टू एक्स 10 थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा. ये लेते हैं. हेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. आप ध्यान से देखेंगे. सो फ्रॉम दिस रिलेशन वी आर गेटिंग 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. सो दैट गिव्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड फॉर द सेकेंड टर्म इज ऑल्सो द कोएफिशिएंट इज 1. तो जी विच वी कैन टेक एज 10 डिवाइडेड बाई 2u²
cos square 45 degrees 1 by 2, this also equals to 1, this gives u is equals to root 10 meter per second. So we are getting the value of theta and u. Theta u aa gaya, so we are required to calculate the maximum height and range. H max we can write u square sine square theta by 2g. So result mein humko sirf value substitute karni hai. This is giving us 10 multiplied by 1 by 2 divided by 2 into 10. This 1 by 4 is 0.25 meter. This one answer. And range we need to calculate. So range you can write as u square sine 2 theta by g. वैसे भी हमें पता है theta 45 होता है तो range maximum होती है u square by g. So this 10 divided by 10, this comes out to be 1 meter. That's another answer to this question. So my dear student, मैंने काफी सारी variety यहाँ cover करी है, but obviously 100% variety I cannot cover. Once again, I'll tell you, मैंने यहाँ पे majority of cases लिए हैं book के physics galaxy volume 1. आप immediately इस book के जितने possible cases हो सकते हैं, one dimension motion, relative motion, two dimensional motion, projectile motion, ये सारी चीजें आप complete कर लीजिए. If we talk about our practice work, so हमने two dimensional motion तक यानी constraint motion से पहले तक का पूरा content cover कर लिया है. So आप practice exercise 1.9 तक और illustration 1.48 तक complete कर सकते हैं इस book में से. ये सारी चीजें हमने cover कर ली हैं and almost kinematics section is coming to an end. From next class we are starting with constraint motion. दो तीन class लगे लेकिन constraint motion one of the most important section है before switching over to dynamics, that is the section of forces and application of forces. बहुत interesting section है, बहुत सारी नई नई चीजें हम dynamics के अंदर cover करने वाले हैं. But at this moment we conclude this lecture for numerical analysis of two dimensional motion. Wish you all the best.